नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, जहां हम बात करेंगे इफ कंडीशन के बारे में। ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये मेरी ऐप के अंदर के जो कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग है। अगर आप इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से लिंक कर सकते हैं, या फिर एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को आप सर्च कर सकते हैं। मेरा ऐप आईओएस और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेवलपर में विजुअल बेसिक खोलता हूं और यहां इसको डुअल स्क्रीन करता हूं, ताकि साथ साथ आप उसकी ये भी देख सके कि आखिर हो क्या रहा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है कि यहां जो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, इसमें नेम है, नेम के साथ सेल्स है, यहाँ पे इंसेंटिव देना है और कंडीशन ये है कि 50 to 80 के बीच में हो तो 500 हो। इसके लिए जनरली हम लोग इफ फॉर्मूला के इफ के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज हम वीवीए प्रोग्रामिंग में करने जा रहे हैं। तो हम मॉड्यूल्स में आते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे इफ अंडरस्कोर इफ टू, लूसी क्लास है इसलिए इफ टू अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब यहां पे लगाते हैं कंडीशंस लूप का, क्योंकि तो लूप देना जरूरी है कि फॉर आई इक्वल टू चले 2 2 कहां तक 9, और यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट आई कर दिया, नेक्स्ट आई कर दिया। अब यहां हम कंडीशन दे रहे हैं सिंपल सा, कि इफ अब यहाँ पे लोड कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम एस एज ए सेल्स स्ट्रिंग लॉन्ग होगा लॉन्ग, और यहाँ पे एस इक्वल टू सेल्स के लिए। अब यहाँ पे हम सेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्स आई हमारा रो हो जाएगा, 2 नंबर कॉलन होगा, और यहाँ पे डॉट वैल्यू हमने कर दिया। अब यहाँ कंडीशन देते हैं कि इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और एंड हमने यहाँ पे लगाया और लिखा अगेन एल्स इज लेस देन, मैंने एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन अब जो रिजल्ट हमको प्रिंट करना है तो रिजल्ट हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं कि सेल्स आई रो एंड 2 कॉलन, सॉरी 3 कॉलन होगा, 3 कॉलन डॉट वैल्यू, 3 कॉलन क्योंकि यहाँ सी में है ना इसलिए 3 हमने किया, इक्वल टू हमने यहाँ पे 500 कर दिया। अब मुझे एल्स में 0 देना है तो एल्स करके यहाँ सेम हम 0 करते हैं, ऐसा ना करेंगे तो ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पे हमने एंड इफ कर दिया सिंपल से। अब इसको एक बार रन कीजिए, मैं यहां से भी रन कर सकता हूँ या फिर माइक्रोज में जाके माइक्रोज के लिस्ट से भी रन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जहां जहां 50 to 80 के बीच में था वहां क्या हो गया आपका 500 आ गया, अदरवाइज पे 0 आ गया। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास डेज दिया गया है, सैटरडे संडे को ऑफ और यहाँ पे ओपन करना है, तो सबसे पहले मुझे इसमें इसका डेज निकालना है। हालांकि मैं टेक्स्ट फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लगाया, इसको सिलेक्ट किया और 3 बार डी 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 लिख दूंगा तो संडे मिल जाएगा, लेकिन ये काम हम वीवीए के थ्रू करना चाहेंगे। तो सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर हम इफ टू अंडरस्कोर टू दूसरा माइक्रो ब्रैकेट ओपन क्लोज, लूप सबसे पहले लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से लेके, अब यहां पे मैं चाहता हूं कि ऑटोमेट हो। अब यहाँ पे जो लूप मेरा है वो ऑटोमेट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट रो, तो एक जितना भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे यहां पे क्या लिखने लगाने हैं वैल्यू, तो हम सेल्स को लेकर चलते हैं कि सेल्स आई रो एंड 2 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहां पे मैं फॉर्मेट का फॉर्मा लगा रहा हूं, जैसे एक्सेल में टेस्ट होता है ऐसे यहां पे फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। फॉर्मेट में हम यहां लिखते हैं कि सेल्स सेल्स में आई रो
एंड टू वन नंबर कॉलन होगा कि वन नंबर कॉलन डॉट वैल्यू, और यहाँ पे डॉट डी डी डी, तीन बार डी, जैसे कि मैंने हम टेक्स में डाला था सिंपली। अब मैं इसको यहाँ रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये देखिए ट्यूजडे मंडे फ्राइडे आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम, क्योंकि तो डेज है तो डी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट है इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग। और यहाँ पे डी इक्वल टू हमने जो फॉर्मेट का फॉर्मूला यहाँ था, ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सेम वैल्यू को भी ले लेकिन मैं फॉर्मूला ही डाल दिया ताकि फॉर्मूला को अच्छे से देख ले आप। देन कंडीशन लगेगा कि इफ डी इक्वल टू सब, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक केस सेंसिटिव होता है तो बड़े छोटे का फर्क रखता है। तो इफ डी इक्वल टू सैटरडे, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हम एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड लगाने का मतलब है कि सेल के अंदर सैटरडे भी होना चाहिए और संडे भी होना चाहिए। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, तो इसके लिए यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला और यहां लिखते हैं डी इक्वल टू सैटरडे, डी इक्वल टू सैटरडे। देन यहां एंटर प्रेस किया हमने और यहां पे अपना रिजल्ट दे देते हैं कि सेल्स, अब इस पर यहां पे रो नंबर तो आ ही होगा लेकिन कॉलम नंबर तीसरा हो, तीसरा डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया ऑफ, और फिर यहां एल्स में इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहां पे एंड इफ करते हैं, और इस ऑफ की जगह पे हम लिख देते हैं ओपन। ऑफ की जगह पे क्या लिख दिया हमने, ओपन लिख दिया। पूरी कोड एक बार देख लीजिए आप लोग। अब यहां पे इसको हम रन करते हैं, रन करते हैं, देखिए यहां पे ओपन ओपन ऑफ ऑफ आ गया, बट यहाँ संडे में ओपन क्यों है, ओ यहाँ पे सैटरडे और संडे फिक्स दिया है इसलिए, तो यहाँ पे संडे कर देते हैं। मैंने एक ही चीज दो बार लिख दिया था, हम भी इंसान, कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल के तरफ। तीसरे नंबर एग्जाम्पल में यहां आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या है, रिजल्ट, मुझे यह रिजल्ट शो करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एवरी सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 30 देन पास अदरवाइज फेल, तो हर सब्जेक्ट में 30 से ऊपर होना चाहिए। अब चलिए इसके लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यहां लिखते हैं सेल्स, सॉरी यहां पे इफ होगा, इफ टू अंडरस्कोर तीसरा नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चार पांच सब्जेक्ट है, मतलब पांच वेरिएबल लेना है जो कि लॉन्ग है, तो यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5 एज ए लॉन्ग। अभी सो दो तरीके से बनाऊंगा मैं, एक एरे तरीके से और दूसरा हम नॉर्मल जो सिखा रहे इस तरीके से। अब यहाँ पे लूप लगाएगा कि 4i इक्वल टू चले 2 2। अब मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, बट आपको मैंने पिछली एग्जाम्पल में समझाया कि इसको ऑटोमेट कैसे की जाती है, तो उसके हिसाब से चलिएगा। तो नेक्स्ट आई, अब नेक्स्ट आई में यहां हम सारे सब्जेक्ट को लोड करेंगे, तो S1 इक्वल टू सेल्स, सेल्स में यहां पे हम कर देते हैं i नंबर 1 एंड 2 नंबर कॉलम डॉट वैल्यू। टू नंबर इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट वन हमारे बी कॉलम से शुरू हो रहा है इसलिए 2 नंबर हो, और इसी तरह किसी को कॉपी करके हमें 5 बार चाहिए, तो 4 हो गया, 1 चौथा, 1 पांचवा हो गया। यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, यहाँ S4 और यहाँ पे S5, और यहाँ 2 के बाद यहाँ हम दे देंगे इसको 3, तो सारे को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया 6। अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं, तो यहां देंगे कि इफ S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन एंड S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन एंड
एस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड, तो इसमें आप 365 एंड लगा सकते हैं, इक्वल टू 30, फिर अगेन एंड एस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब लास्ट में देते हैं दैन, एंटर मारिए, अब रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे सेल्स, सेल्स के अंदर आई रो एंड छठा नंबर कॉल, सॉरी सातवां नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, और फिर यहाँ पे एल एल्स, और इसी को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करके यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं, और यहाँ पास की जगह फिर फेल कर। अब इसको एक बार यहां से रन कीजिए, रन करने के बाद देखिए कि रिजल्ट और पास और फेल आया, यहाँ पे देखिए फेल है और ये देखिए सारे में रिजल्ट है, तो ये देखिए पास दिया। अब इसको हम, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास पांच कॉलम थे तो देन ठीक है, लेकिन मान लीजिए 50 हुआ तो 50 लेवल पे स्टोर करना ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में हम चलिए इसी माइक्रो को दूसरे ढंग से बनाते हैं, तो यहां पे ये जो हमने लिया हुआ है इसको हटाते हैं, और बाकी जो चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां जो लॉन्ग है इसको हटाते हैं, यहां पे देते हैं कि डिम सब्जेक्ट 125 एज ए लॉन्ग, 125 एज ए लॉन्ग सिंपली हमने कर दिया, और ये जो लूप चल रहा है इसमें मैं सिंपली कर रहा हूं फोर जे इक्वल टू चले 125, एक और लूप लगाया और एस के अंदर हमने जे को रखा और इक्वल टू सेल्स आई रो एंड जे प्लस वन इज कॉलम, क्योंकि जे तो वन से है ना, बट कॉलम तो हमारे टू से है, बी हमारे टू है ना, इसलिए हमने बोला कि डॉट वैल्यू। एक एक करके इस सारे वेरिएबल्स जो है एस एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव पे स्टोर कर देगा। अब इसको करते हैं नेक्स्ट आई, अब यहाँ जहां हमने एस वन किया हो, अब यहाँ पे तो करना पड़ेगा, हालांकि इसके तरीका और भी है तो उसके लिए आपको नेस्टेड इफ सीखना होगा, तो फिलहाल हम नेस्टेड इफ नहीं सीख रहे हैं, तो हमने ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे वन सब्जेक्ट वन, अब इसी को यहां डाल, सब्जेक्ट टू, यहां हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट थ्री, ये हो जाएगा सब्जेक्ट फोर, और इसको बड़ा करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट फाइव। इसे थोड़ी आसान हो जाएगा अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने एरे डिफाइन किया और फिर एरे पे एक एक करके वैल्यू को लोड किया। अब यहाँ पे 50 सब्जेक्ट भी होता तो आसानी से हम वैल्यू को एक एक करके लोड ना करके इसी तरह से लोड कर सकते थे, तो आप भी इसका ध्यान आराम से रखिएगा। चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल उसको देखते हैं, तो लास्ट एग्जाम्पल कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास कई सारे प्रूफ है, किसी ने प्रूफ जमा किया हुआ है, तो मुझे ये पता करना है कि इसने कौन सा प्रूफ जमा किया है। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट जमा किया है तो यहाँ पे पासपोर्ट आना चाहिए, अगर किसी कुछ किसी ने कुछ भी जमा नहीं किया, ए थ्री की जगह फिर फोर होगा, ये तो थ्री है ना, फोर होगा ना, एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे पासपोर्ट होना चाहिए, किसी ने कुछ भी जमा नहीं किया वहां पे पेन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको यूज करते हैं, तो इसको आप भी आप इस तरीके से और इस तरीके से दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं, तो मैं ये नीचे वाला तरीका है वही लेता हूँ, जो ऊपर वाला तरीका है वही लेता हूँ, बाकी आप एक एक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट देना, यहाँ पर ओके, फिलहाल मैं जस्ट ओके और पेंडिंग देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर वाई है तो ओके और पेंडिंग है, नेम जो है हम अगली क्लास में डालेंगे क्योंकि उसके लिए हमें नेस्टेड इफ को समझना होगा। तो एस इक्वल टू 125, देखते कितने हैं हमारे पास है, तो ये देखिए पांच सब्जेक्ट सही है, 125 है और कॉलन टू से शुरू है, और ये जो हमने लॉन्ग दिया है ना इसके जगह पे हमें लेना होगा स्ट्रिंग, तो
क्योंकि हमारा वाई है इसलिए स्ट्रिंग लेना होगा। और यहां एस इक्वल टू यहां पे जस्ट देना पड़ेगा वाई। वाई कैपिटल है स्मॉल है? कैपिटल है, क्योंकि यहां पे बड़े छोटे का फर्क होता है। फर्क को मिटाने का तरीका क्या, वो भी हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। और यहां होगा हमारा एंड के जगह पे और, क्या होगा एंड के जगह पे और, बस इसी को कॉपी कीजिए और यहां इसको रिप्लेस कर दें। यहां और की जरूरत नहीं है। और यहां पास के जगह पे ओके, और यहां पे हम पेंडिंग करते हैं। अब इसको रन रन कीजिए और एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा, यहाँ पे फाइव करना होगा विदाउट नेक्स्ट और नेक्स्ट जे होगा, यहाँ पे ऊपर भी आपका नेक्स्ट जे होगा, आई गलती से लगी है। बिल्कुल परफेक्ट है। और यहां देखिए पेंडिंग ओके स्टेटस। तो आज की क्लास में हमने आपके साथ सीखा कि किस तरीके से हम एंड और का इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल में भी और सिंगल में भी, और एरे का इस्तेमाल भी कैसे करते हैं, मल्टीपल लूप्स कैसे लगाते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम्पल मैंने दिया। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। तो अगली वीडियो ये क्या होगी हमारी, नेस्टेड इफ की होगी। Recording stopped. और जिन लोगों ने मेरा भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं वो भी बड़ी सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे पास है 21 ईयर का एक्सपीरियंस इन द टीचिंग एंड वर्किंग, और 16 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइव। ऐप के अंदर ही रिकॉर्डेड कोर्स भी चलती है, तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा ऊपर नंबर दिख रहा है उसको अपने मोबाइल में कीजिए सेव, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए, हम आपके लिए अपना फोन हमेशा फुल चार्ज करके रखेंगे एंड नेटवर्क के साथ। थैंक यू।